गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कुलदीप और मैं टीचर हूँ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेवन्थ बी। यह डिवाइड डिवाइड वन डिजिट से विदाउट रिमाइंडर, डिवाइड टू डिजिट से विद रिमाइंडर। ठीक है, तो इससे पहले हमें आपको सबसे पहले आपको डिवीजन का फॉर्मूला याद करना है। डिवाइड एंड इक्वल कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको चेक में काम आएगा। डिवाइड एंड चेक में, तो डिवाइड एंड इक्वल कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, जैसे 50 डिवाइड 9, इसमें हमें कोशेंट और रिमाइंडर बताना है। तो 50 को अंदर लेंगे 9। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 9 की टेबल में 50 से ज़्यादा कितने पे आता है। तो हमें 9 की टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से। तो 9 6 54, ठीक है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा नहीं लेना है, उससे एक कदम वापस लेना है। तो 9 5 45, ठीक है, आया था 54। क्या आया था? 54, लेकिन हमें वो नहीं लिया, हम उसके वापस 9 5 जा, ठीक है, 45 ये लेंगे। इससे मान, इससे हमें से कम लेना है 50 से, इसे या तो ये सेम लेना है या इससे कम, ठीक है, लेकिन इसकी टेबल में आना चाहिए वो। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा कोशेंट 5 और रिमाइंडर कितना आ गया 5, ठीक है, कोशेंट आ गया ये 5 और ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, यही रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये डिवाइड एंड चेक, डिवाइड एंड चेक, तो चेक करना है। तो इसमें भी आप कोई भी क्वेश्चन ले लें, ये ले लेते हैं सेकंड, 82 डिवाइड 9, 82 किससे डिवाइड करना है 9 से, तो 9 की टेबल फिर देखना है आप कि 82 से ज़्यादा कितने पे आता है 9, 9 10 जा 90 9 9 81, तो सीधे 10 जा कभी नहीं लेना है, ठीक है, 10 जा हम ले नहीं सकते, तो 9 9 जा। इसके लिए हमें आपको टेबल लाइन होनी चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये आ गया 1 0, तो फिर क्या आ गया, ये आ गया कोशेंट 9 और रिमाइंडर क्या आया, इनकी स्पेलिंग भी आप पूरी याद कर लेंगे 1, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर। अब आपको करना है चेक, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट का फॉर्मूला है कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। डिवाइजर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, यहाँ पे प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंट तो हमें ये तो निकालना ही है, फिर कोशेंट हमारा ये रहा 9 मल्टीप्लाई डिवाइजर, ये होता है, ठीक है, ये होता है डिवाइजर जिसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइजर प्लस रिमाइंडर हमारा ये रहा 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 प्लस 1 82। अगर हमारा ये डिवाइडेंट ये सेम आ गया ये वाला, तो समझ लें आपका आंसर सही है। अगर सेम नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये रिमाइंडर की स्पेलिंग यहाँ पे पूरी लिखनी है आपको, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई 81 आए, 1 प्लस के 82, देखो सेम आ गया है, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इससे आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड डिवाइड करना है, सेकंड क्वेश्चन में डिवाइड करना है, उसके बाद चेक भी करना है। कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, कोशेंट ये होता है, देख लो एक बार फिर बताता हूँ, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये होता है डिवाइजर। इन तीनों से हमें निकालना होता है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ये उसमें प्लस करते हैं जो मल्टीप्लाई आती है 9 9 81, और 1 उसमें क्या करते हैं प्लस, उसके बाद डिवाइडेंट आ जाना चाहिए। अगर डिवाइडेंट आ गया तुम्हारा आंसर सही है, अगर डिवाइडेंट नहीं आया तो तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। तो डिवाइडेंट चेक हो गया, तो आज आपको ए और बी क्वेश्चन ही करने हैं। थैंक यू।